ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टूटके पर। बंधु, आज का विषय जैसे कि आपको पता ही है, आप सरकारी नौकरी पाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले और आपको नहीं मिल पा रही है, आपकी सारी तैयारियाँ खराब जा रही हैं, व्यर्थ जा रही हैं, तो आप ये उपाय करके देखिए, आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। और यदि आपके पास बिल्कुल भी कोई नौकरी नहीं है किसी भी क्षेत्र में, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इसका लाभ तब भी आपको मिलेगा। आपको पूरा समझना होगा कि वीडियो देखकर कि कैसे कैसे ये उपाय करना है। उससे पहले यदि आप हमसे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं निशुल्क, तो आप हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे, जो एक हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है वैसे ही एक ग्रुप होगा, मगर उसमें फ़ायदा ये होगा कि कोई अन्य व्यक्ति आपको नहीं देख पाएगा नंबर, ना ही कोई आपका नंबर देख पाएगा, ना ही कोई मैसेज वहाँ पे आप डाल सकेंगे। इसीलिए हम शनिवार और इतवार को हमारे पास नंबर आ जाएगा उस ग्रुप के द्वारा, हम आपको शनिवार और इतवार को मैसेज किया करेंगे। जो भी आपकी समस्या होगी, आपको उसका निःशुल्क उपाय बताया जाएगा। तो हमसे जुड़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम आपको मैसेज करें और पर्सनली आपकी समस्या का उपाय बताएं, तो ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसका टेलीग्राम पे आप डाउनलोड करके सर्च में लिख सकते हैं कागज़ पर टूट के, हमारा चैनल वहाँ पे भी आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज्वाइन करिएगा। अब आपको बताते हैं कि यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आप क्या उपाय खुद कर सकते हैं। आपको यंत्र बनाना होगा खुद, कोरे कागज़ पे, भोजपत्र पे बनाना चाहें तो भोजपत्र पे भी बना सकते हैं। तो क्या होगा वो, आप सबसे पहले आप काली कलम से एक गोला बना देंगे। गोला बनाने के पश्चात लाल कलम या नीली कलम से आप अंदर तिकोना बनाएंगे गोले के। और तिकोना बनाने के बाद आप इसी के अंदर आपको एक उल्टा तिकोना भी बनाना होगा। जब आप इसको बना चुके होंगे, तब आपको काली कलम दोबारा वापस लेनी है और अंदर लिखना है गन, ये लिखना है आपको। इसके बाद वापस लाल कलम उठाएंगे आप, और इसमें आपको कुछ पत्तियां बनानी होंगी। जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल वैसे ही बनानी है, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं करना है, परिवर्तन नहीं लाना है। कुल मिला के आपको इसमें 8 पत्तियां बनानी होंगी। और इसके बाद वापस काली कलम लेंगे आप और ऐसे आपको बना देना है चारों तरफ। आप खुद के लिए ये बनाएंगे, खुद के लिए आपको बनाना है, यदि आप खुद की नौकरी करवाना के लिए कर रहे हैं। ऐसे आपको बना देना है, ये आपका एक यंत्र तैयार है। मगर आपको ध्यान रखना है कि इसी यंत्र के अंदर आपको एक चीज और बनानी होगी, जिसको एक यंत्र और कहा कहते हैं, एक और यंत्र बनाना होगा। इसी यंत्र के अंदर आपको वह यंत्र होगा, पहले आप इस तरफ चकोर बना देंगे। इसको आपको 4 भागों में बांटना है। अब अंदर आपको लिखना है यहाँ पर 20, इधर लिखना है 3,
इधर 34, 7, 6, 31, इधर लिखेंगे 32, इधर लिखना है आपको 9, इधर लिखेंगे आप 30, 26, 2, इधर 91, इधर 15, इधर वापस आप लिखेंगे 92, और इधर लिखना है आपको 4, और इधर लिखेंगे आप 1। ये आपको बनाना है, ये इधर इसमें आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी यंत्र में इधर आप एक और चकोर बनाएंगे और इसको सिर्फ 4 भागों में बांट देंगे, 4 भागों में बांटने के बाद आपको ओम एन लिखना है, और यहाँ लिखना है आपको 9, और यहाँ लिखना है 94, ये आपको लिखना है। जब आप इसको लिख लेंगे तब आपको इसको अभिमंत्रित करना होगा, ये यंत्र आपका तैयार हो चुका होगा, अब आपको इसको अभिमंत्रित करना होगा। अब अभिमंत्रित कैसे करेंगे आप इसको, वो हम बता रहे हैं। मंत्र आप पहले ही इसमें लिख चुके हैं, मंत्र है ओम एन, ये मंत्र आपको दिया गया है। ये मंत्र आपको रोजाना 108 बार जपना है। ये आप बनाएंगे सोमवार या फिर बुधवार को बना लीजिएगा, सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे के बीच में, और जब आप इसको बना लेंगे उसके पश्चात आप इसको घर में रखिएगा। घर पे, घर का मंदिर है तो घर के मंदिर में रखिए, वरना साफ सुथरी जगह पे रखिए। यदि आप अपने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे साफ सुथरी तरीके से इसको रख सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं। और आप वहीं पे बैठे हुए रोज एक माला जपिए ओम एन की। एक माला मतलब 108 बार आपको जपनी है। तुलसी की माला लें तो आप ज़्यादा बेहतर है, ये आपको खुद करना है, किसी और के द्वारा नहीं करवाना है, खुद आपको करना है। और माला रोज सुबह जपें तो ज़्यादा बेहतर। यदि आपको समय नहीं मिल पाता है सुबह, तो आप शाम को भी जपना चाहें तो शाम 8 बजे से पहले आप अवश्य जप लीजिएगा। इन बातों का ध्यान रखना है। और जब आप पढ़ाई करने जाएं तो उससे पहले एक बार इसके आगे आप अपना हाथ जोड़ के मनोकामना मांगें। जो भी आप सरकारी नौकरी के लिए, जिस सरकारी नौकरी के लिए भी आप उपाय कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप हाथ जोड़ेंगे, और एक बार ये जो गन लिखा है इसको आप देख के फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। यदि पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, सीधा तैयारी कर रहे हैं किसी और तरीके से, तो भी आप इसके आगे हाथ जोड़िए अभी अवश्य रोज, और रोज एक माला इसकी जपा करें ओम एन की। और जैसा कि कहते हैं हम, इसके आगे धूप भी जला दीजिएगा, खुशबूदार माहौल करने के लिए इसके आगे धूप भी आप जला सकते हैं। तो बंधुओं, ये उपाय आप करके देखिएगा। जैसा कि हमने कहा, सोमवार और बुधवार के दिन इसको आप खुद बनाइएगा। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पे भी हम वीडियो बनाएं, तो आप हमसे बोलिएगा, अवश्य हम आपको वीडियो बना के देंगे उस समस्या के ऊपर। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो में कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि किसी अन्य विषय पे जो कि हमने आज तक नहीं बनाया है और आप चाहते हैं, तो हमको अवश्य लिखिएगा। जैसे कि हमने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि हम आपको मैसेज करें खुद, तो टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन करिएगा। और दूसरी बात, यदि आप हमारी लिखी हुई किताब लेना चाहते हैं शत्रु शमन के ऊपर, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप उसको ले सकते हैं। 49 रुपये की किताब है, उस पे मोबाइल पे ही आप सारी पढ़ सकेंगे, और जितने भी उपाय हैं सारे एक ही किताब में आपको मिल जाएंगे। तो बंधु, यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, मगर उनको नहीं मिल पाता है उनके परिश्रम का फल। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट पे अपना सुझाव दीजिए या प्रश्न पूछिएगा।
वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।